अपने पसंदीदा शो यश शेफ महबूब को YouTube पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube पेज पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज का दिन हमारा बड़ा अजीम शान तरीन दिन होता है और ये ख़ास दिन बेसिकली फैमिली फीस यानी घर की दावत, और दावत में क्या कुछ बनता है। पहले हमने बनाई थी, पुलाव बनाया था, हलीम बनाई, बिरयानी बनाई, और आज हम बना रहे हैं कढ़ाई। और बहुत सारी कढ़ाई की तरकीबें आपने देखी होंगी, बनाई भी होंगी। ये कढ़ाई की तरकीब जो मैंने असल में दो टाइम ट्रेवलॉग्स किए थे, यानी ट्रेवलॉग से मुराद जब आप सफ़र करते हैं और उसमें पूरा प्रोग्राम करते हैं, कुकिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं, एक पाकिस्तान में किया था और एक अफ़गानिस्तान में, यानी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान दोनों मिलके। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन खाई, चाहे वो ऑन रिकॉर्ड थी यानी शूट के दौरान थी या ऑफ़ द रिकॉर्ड थी हमारे अपने खाने के लिए, वो थी कढ़ाई। और कढ़ाई भी थी कौन सी? ढाबे की कढ़ाई। यानी ट्रैवल कर रहे हैं ना, सारा पूरा हाईवे जा रहे हैं, तो रास्ते में एक ही आइटम आपको सबसे ज़्यादा कॉमन मिलेगा, वो है कढ़ाई। और बेशुमार किस्म की कढ़ाइयाँ खाईं, लेकिन जो मेरी सबसे फेवरेट कढ़ाई मुझे समझ में आई ढाबे के हवाले से, वो आज आपके लिए बनाएंगे। बड़ी सिंपल कढ़ाई, यहाँ पे हमने एक पतीला लिया हुआ है और इसमें हमने 1 किलो घी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें ऑयल के साथ बना सकते हैं। 1 किलो घी इसमें खूब गर्म रख के, अब इसमें सबसे पहला काम हम करेंगे कि इसमें हम ये चिकन शामिल करेंगे और इसको करेंगे फ्राई। कढ़ाई जब भी घर में आप बनाते हैं तो आप देखते हैं कि अमूमन होता क्या है कि कढ़ाई बनाने के दौरान चिकन ओवर कुक हो जाता है कभी कभार ना, चिकन बोटी बोटी हो जाता है, या इवन थोड़ा सा भी पकता है तो टुकड़ों में बट जाता है और टूट जाता है और देखने में अच्छा नहीं लगता। उसका सबसे पहला हल तो ये है कि आपने चिकन को फ्राई करना है ऑयल में, कोई और चीज़ शामिल नहीं करनी, इसको हमने समझ लें तकरीबन डीप फ्राई करना है। तो ये मैंने चिकन इसमें शामिल कर दिया, इसको ज़रा हम खोल लेंगे तेज़ आँच। और इसकी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूँ कि हम कर क्या रहे हैं। ये 6 किलो चिकन का गोश्त की कढ़ाई है, ये तकरीबन 25 लोगों के लिए काफ़ी है। 25 लोग कैसे हुए? 6 किलो को अगर आप ज़र्ब दें 4 से यानी 1 पाव से, तो तकरीबन 24 पाव बनते हैं इसमें, ठीक है ना। और 1 पाव गोश्त काफ़ी होता है नॉर्मली, हम लोग अगर हम घर में भी आप दावत कर रहे हैं तो हम ये नॉर्मल, क्योंकि 1 पाव गोश्त सिर्फ नहीं है, उसके साथ उसकी ग्रेवी भी है। तो ध्यान में रखिएगा कि तकरीबन 24 इसके पोर्शन बनेंगे, 6 किलो गोश्त के 24 लोगों के लिए काफ़ी है। इसकी आपके साथ कॉस्ट भी शेयर करेंगे भी थोड़ी देर में कि ये इसका ख़र्चा कितना आएगा। लेकिन सबसे पहला काम ये चिकन को हमने करना है फ्राई, तो इसको ज़रा घुमाते फिराते रहेंगे। और हमेशा जब भी कढ़ाई बनाएं डायरेक्ट चिकन ग्रेवी में शामिल ना करें, चिकन को पकाएं यहाँ पे फ्राई करें। हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि तकरीबन पक चुका होगा। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो चिकन पक भी जाएगा, दूसरा चिकन कड़क हो जाएगा और चिकन जूसी रहेगा। होता क्या है कि जब आप डायरेक्ट इसको ग्रेवी में डालते हैं तो इसका सारा पानी जो है चिकन का वो ग्रेवी में आ जाता है, चिकन तकरीबन ज़्यादातर ये होता है कि ड्राई रह जाता है और अंदर जायका इसमें नहीं होता। हाईवे की कढ़ाई में जब भी आप कभी हाईवे पे खाने खाने जाएं तो आप देखिएगा कि वहाँ पे अमूमन चिकन फ्राई करके ही रखा होता है पहले से, उसमें आपने ग्रेवी डाली और उसको फ्राई किया और मिनटों में आपको तैयार हो जाती है। सबसे पहले चिकन को फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पर हमने टमाटर तकरीबन 2 किलो, ये डिपेंड करता है कि ग्रेवी आप कितनी रख रहे हैं। मेरे हिसाब से मुनासिब ग्रेवी में 2 किलो टमाटर 1 किलो प्याज इस्तेमाल होगा, ठीक है। 2 किलो टमाटर 1 किलो प्याज, और 2 किलो टमाटर को हमने यहाँ पे पकने रख दिया था। ये देखें, ये कम्प्लीटली इसकी ग्रेवी तैयार हो गई। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, ज़रा इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए तो हमारी टमाटर की ग्रेवी तैयार हो जाएगी। वापस आते हैं यहाँ चिकन की तरफ और इसको सबसे पहले करते हैं फ्राई। ये ग्रेवी वाली कढ़ाई है, यानी वो बिल्कुल ड्राई नहीं। मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ाई, वो तो नमक मंडी की जो पेशावर की है वो मेरी सबसे फेवरेट है। थोड़ा सा उसमें 2-3 टमाटर डालते हैं, लेकिन वो ढाबा स्टाइल कढ़ाई नहीं है। ढाबा स्टाइल कढ़ाई जो है वो हम आज बना रहे हैं। बहुत कराची से जब हम ट्रैवल किया था, बहुत सारे शहरों गए, लाहौर भी गए, पंजाब पूरा देखा, नॉर्दर्न एरियाज़, और अगर आप अफगानिस्तान की बात करें काबुल, पूरा सारा डिटेल से। लेकिन कढ़ाई इतनी वैरायटी हमने खाई है, वो कहते हैं कि तकरीबन 50 किलोमीटर के बाद नई किस्म की कढ़ाई आपको मिलती है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पर भी आप ट्रैवल करें। तो सबसे पहला काम ये देखें, चिकन को करते जाएंगे फ्राई। इसको तकरीबन समझ लें कि एक, अभी हमने इसमें तकरीबन कोई 1.5 किलो चिकन समझे शामिल किया होगा, तो ये 2 किलो, तो तकरीबन ये 3 दफ़ा फ्राई होगा। पहले ये चिकन फ्राई होगा, इसका फ्राइंग टाइम तकरीबन 7 से 8 मिनट, ठीक है ना, 7 से 8। मेरे पास
थोड़ा सा टाइम कम है, 8-10 मिनट, वैसे उसको 10 मिनट फ्राई होना चाहिए। ये निकलेगा, इसके बाद फिर एक और फेरा, फिर एक और फेरा। ये जब जैसी चिकन फ्राई हो जाएगा, फिर हमने इसी ऑयल में इसी ग्रेवी बनानी है। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये ग्रेवी टमाटर की यहाँ पे जब तक बन रही है। और कल हमने एक अदद केक बनाया था, ब्लैक फॉरेस्ट चीज़ केक, वो निकाल लेते हैं और वो आपको दिखा देते हैं। ये नीचे ये कल हमने केक बनाया था, जो इसको उस टाइम निकाल नहीं सक रहे थे क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा था। और इसको खोलते तो ये सारा का सारा, चूँकि अंदर हमने इसमें जो जेलेटिन डाला था, वो जेलेटिन को जमने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये क्लिप वाला रिंग लेके, ये देखिए, इसको थोड़ा सा ज़रा साइडें इसकी छुड़ा लें बस। इसके बाद आराम से इसको हमने लिफ्ट करना है। छोड़ दे भाई जान, हाँ ये आराम से उठाया। और इसके साइड में जो पेपर लगा हुआ है, ये पेपर को हमने उतार लेना है। इस पेपर का फ़ायदा अब आपको आइडिया होगा कि ये बेसिकली केक की जो लुक है साइड की, वो आपको बिल्कुल नीट क्लीन मिलेगी। ये बस, और ये बेहतरीन सेट हो गया। जेलेटिन का जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 खाने के चम्मच हम इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में और गर्मियों में, और 1 खाने के चम्मच सर्दियों में, गर्मियों में इसमें से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कि केक जब फ्रिज से निकला है तो ये मौसम की गर्मी की वजह से अगर जेलेटिन कम होगा तो ये मेल्ट अभी से होना शुरू हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आपने 2 खाने के चम्मच ही जेलेटिन इस्तेमाल करें, और जेलेटिन अच्छी क्वालिटी का हो। अच्छी से मुराद स्मेल इसमें कम से कम हो, क्योंकि इसकी कभी कभार इतनी ज़्यादा स्मेल होती है कि पूरे केक में उसकी स्मेल आपको आएगी। चलिए, केक हमारा हो गया है रेडी, इसको हम वापस फ्रिज में रख देते हैं और एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहने जाएगा। वापस आ गए, और सबसे पहले आपको क्विक रिकैप दे देते हैं, दोबारा आपको बताते चलें। ये आज की जो हम कढ़ाई बना रहे हैं, ढाबा कढ़ाई है, और मेरी फेवरेट कढ़ाई। बहुत सारा हमने ट्रैवल किया और ट्रैवलिंग में हमने जो बहुत मज़े की मुझे कढ़ाई लगी, ग्रेवी भी इसमें होती है अच्छी मुनासिब। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन 24 लोगों के लिए काफ़ी है, 6 किलो गोश्त हम ले रहे हैं, 2 किलो इसमें टमाटर है, 1 किलो प्याज है। ये जहन में रख लीजिएगा, थोड़ी ग्रेवी बढ़ानी होगी तो आप इसमें टमाटर बढ़ा लें। ये एक और ऑप्शन भी है कि इसमें आप 1/2 किलो दही भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई में ये वाला जो स्टाइल है इसमें दही शामिल नहीं होता, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करेंगे हाईवे पे तो दही ऐसा आइटम है जो आपको नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि मौसम ऐसा गर्म या ऐसे सख्त मौसम होते हैं कि ज़्यादातर लोग दही, फ्रेश दही नहीं रखते, क्योंकि कस्टमर का पता नहीं लगता इसी वजह से। अदरवाइज़ कढ़ाई में काफ़ी जगहों पर दही इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। यहाँ पर हमने कोई चंद अदद तलहार मिर्चें रख दी, ऑप्शनल है, ये हम कढ़ाई में ऐड करेंगे अभी नहीं, बाद में अगर आपको मिल जाए इसका खुशबू जायका, और ख़ास तौर पे कढ़ाई की जो रंगत है ना, बड़ी मज़े की हो जाएगी। मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता तो कोई इतना मसला नहीं है, इसके बगैर भी बन जाएगा। चिकन को हमने एक जो पहला बैच डाला था वो हमने निकाल लिया, वो पक चुका। ये सेकेंड बैच है, ये भी पक चुका, इसको भी निकाल लेते हैं। पक से मुराद यानी काफ़ी हद तक हो चुका है, इसको अभी हमने थोड़ा सा फ्राई किया है ताकि थोड़ा सा ज़रा ये गोश्त सिकुड़ जाए, ज़रा सेट हो जाए, और ड्राइनेस इसमें कम हो। यानी जब ये कढ़ाई में आएगा तो कढ़ाई में गोश्त का अपना जायका आपको बहुत मिलेगा। ये लीजिए, सबसे पहले चिकन निकाल लेते हैं, और 1 किलो इसमें हमने घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आ गया, चलिए ये आ गया हमारा आखिरी फेरा, जो बचे हुए थे थोड़ा सा चिकन वो भी डाल देते हैं, और बस इसके बाद इसको फैला लेते हैं। ये नहीं, जब तक ये पक रहा है तलहार मिर्च भी नरम हो चुकी। यहाँ पे मैं ब्लेंडर का जग ले लेता हूँ,
इसका बहुत ही अच्छा खुशबू जायका रंगत आएगी, बेहतर होगा कि इस्तेमाल कर लें। नहीं मिलता, बहुत सारे शहरों में भी मुझे सुनने में आता है कि इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो अगर नहीं मिल रहा तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जब ये भी जहन में रखिएगा जब आप ये तलहार मिर्च का इस्तेमाल करें, ये बहुत लाल होनी चाहिए। ये अगर पड़ी रही किसी दुकान में, ये कालापन इस पर आना शुरू हो जाता है। अगर ये डार्क कलर की होगी फिर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सारे डिश को बिल्कुल इसकी रंगत को ख़राब कर देगा। इस पानी की ज़रूरत नहीं है, इसको हम फेंक देते हैं, इसमें कोई खुशबू कोई चीज़ इसमें नहीं है, सो इसकी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हमने ब्लेंडर के जग में ये मिर्चें डाली, साथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया एक कप, और अब इसकी हम करेंगे पिसाई। इसको बिल्कुल पतला बारीक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। चलो जी, अच्छा हाँ, दोबारा ऑन कर रहा हूँ। चलें, बस ये पेस्ट तैयार हो गया, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब खाली हमें थोड़ा सा चिकन का वेट करना है, थोड़ा सा ज़रा ये पक जाए निकाल लेते हैं, फिर इसकी ग्रेवी की तरफ आते हैं। कुकिंग टाइम मेरे हिसाब से 1 घंटे के अंदर आराम से सुकून से तैयार होगी। इसके साथ हमने एक पाकिस्तानी सैलेड भी बनाना है, तो सैलेड भी बड़ी इजी, बल्कि सैलेड बना ही लेते हैं, वो बहुत सिंपल काम है। बर्तन थोड़े से हमारे पास ज़रा छोटे पड़ गए, एनीवेज वो बड़ा बर्तन ले लेते हैं, बॉल खाली होता है फिर उसमें बना लेंगे। बड़ा सिंपल है, बेसिक चीज़ें जो सब्जियों में मिलती हैं हमारे पास, गाजर है, टमाटर, खीरा, कैबेज, प्याज, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नींबू का रस, नमक, ये बेसिक चीज़ें। वापस आ गए कढ़ाई की तरफ, इसको ज़रा मिक्स करते गए, और ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। चिकन फ्राई हो चुका होगा, फिर हम इसके मजीद काम की तरफ आएंगे। कहने जाएगा विराट पैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और यहाँ पे हम बना रहे हैं ढाबा कढ़ाई। और ढाबा कढ़ाई में क्वांटिटी कुकिंग, आज हमारा फैमिली फीस्ट यानी घर की दावत का प्रोग्राम होता है। चिकन कढ़ाई बन रही है, 6 किलो चिकन की, 24 से 25 लोगों के लिए काफ़ी होगी। 6 किलो इसमें चिकन है, बोटी कट या कढ़ाई कट जिसको आप कहते हैं, 2 किलो इसमें टमाटर, 1 किलो प्याज, ये तनासुब ज़हन में रखिएगा, 1 किलो घी या कुकिंग ऑयल। सबसे पहला काम हमने किया कि कुकिंग ऑयल को गर्म किया या घी को, उसमें हमने चिकन को 6 किलो था तो 2-2 किलो एक साथ डाल के तकरीबन को 7-8 मिनट 10 मिनट फ्राई करके निकालते गए। 3 फेरों में हमने चिकन निकाल लिया। अब उसी तेल में हमने 1 किलो प्याज शामिल कर दिया है, और इस प्याज को फ्राई कर रहे हैं सबसे पहले, साथ में अदरक लहसुन आ गया, और टमाटर की ग्रेवी हमने 2 किलो की पहले से पका के रखी हुई है, नरम हो चुका है ये और तकरीबन तैयार है। तो प्याज थोड़ा सा सबसे पहले फ्राई हो जाए, फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं। इसको पहले थोड़ा सा ज़रा फ्राई कर लें। अच्छा, प्याज को इसमें बहुत फ्राई करने की नहीं होती, तो जो हम ग्रेवी में जो कोरमे में डालते हैं इस तरह का, वो प्रॉपर फ्राइड प्याज होता है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो ये हमने सबसे पहले ये तैयार कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच, ये आ गया लहसुन का पेस्ट, 4 खाने के चम्मच इसमें आ गया अदरक का पेस्ट, और इसकी सबसे पहले थोड़ी सी ज़रा होगी भुनाई, ये लें। और बाकी चीज़ हमारे पास चिकन इतना है तकरीबन कि इसको मज़ीद 10 मिनट पकने की ज़रूरत है बस, और हमारा चिकन भी इसमें मुकम्मल तौर पे पक जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, प्याज, अदरक, लहसुन फ्राई हो रहा है, चीज़ें और जो शामिल हो रही हैं वो मैं सामने कर दूँ आपके, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और काली मिर्च आखिर में शामिल करेंगे, इसका बहुत ही मज़े का जायका आता है कुटी हुई काली मिर्च का, लेकिन बिल्कुल आखिर में। हरी मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा मेरे हिसाब से इसमें, और ये वाली जो हरी मिर्च हम इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी तीखी भी नहीं है, तो इतनी स्पाइसी ना होने की वजह से इसमें हम ज़रा दबा के, कुटी हुई लाल मिर्च भी है जहन में रखेगा, ये दोनों मिलकर काफ़ी स्पाइसी ना हो जाए अपने हिसाब से। और कटिंग इसका जो हरी मिर्च है वो मैं आमतौर पर एक मिर्च जो ये दरमियाने साइज़ की है या बड़े साइज़ की, इसके हम 3 पीसेस काट लेते हैं बस,
कुछ लोग इसको बिल्कुल बारीक काटते हैं, मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा ज़रा पीसेस में नज़र आना चाहिए इस तरीके से। ये सबसे पहले कट गया और हरी मिर्चें बेताशा डलेंगी काफ़ी सारी डलेंगी, मेरे यहाँ 15-20 जल जाएंगी। ये ले जी, इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। अच्छा, अदरक लहसुन जब भी शामिल करें इसकी खुशबू आपको बता देगी, थोड़ी देर के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि यार बसी हुई है, तकरीबन तैयार हो चुका है। हरी मिर्चें जब तक काटते हैं और बाकी चीज़ों की तरफ आते हैं। अच्छा, क्वांटिटी कुकिंग बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी ज़रा प्लानिंग और चीज़ें आपके पास तैयार पड़ी हो, हम देखेंगे कि एक घंटे के अंदर 20-25 लोगों का ये कढ़ाई तैयार हो जाएगी। आगे इंशाल्लाह, एक तो जो लास्ट टाइम हमने थाली बनाई थी उस पर रिक्वेस्ट आई थी कि आप मिडल ईस्टर्न थाली बनाएं, तो मिडल ईस्टर्न अरेबिक मैसा बोलते हैं इसको, ये इसमें मुतब्बल, तबूली, बाबा गनूज, लबनी और बहुत सारी इस तरह के एपिटाइजर्स हैं, बहुत ही मज़े का खाना है लेबनीज, वो बनाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी थाली बनाएंगे और मुख्तलिफ़ किस्म की, और साउथ इंडियन कुछ थालियाँ हैं वो बनाएंगे, बहुत मज़े की हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है, इसमें इसी थाली के कॉन्सेप्ट में हम थाई फूड भी बनाएंगे सारी। ये मुझे थोड़ा सा आइडिया आ गया कि हमने इंशाल्लाह इनको थाली के कॉन्सेप्ट को और खानों में भी लेके जाना है। दूसरा, लास्ट टाइम ने वो स्मोक फ्री जो कोकोनट चिकन बनाया था थाई, कल रात को मैंने एक और तजुर्बा किया स्मोक फ्री का, मैंने कहा ज़रा इस पर हाथ साफ़ करें, वो बनाया मलाई बोटी, ओह बेहतरीन बन गई, जूसी भी थी, कोई ऑयल इस्तेमाल नहीं हुआ, और सबसे ख़ास बात उसकी ये थी कि वो लाइट थी, यानी खाए और हैवी नहीं हुई उसकी। कल ये देखें, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जब पहले कभी किए नहीं होते तो आपको इतना अंदाज़ा नहीं होता। कल जब उसको मैंने बग़ैर ऑयल के बनाया तो मुझे आइडिया हुआ कि ये तकरीबन समझ लें अगर कोई 3 किलो गोश्त था तो इस 3 किलो गोश्त में मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 3 कप ऑयल इस्तेमाल हुआ, ये एब्जॉर्ब करता जाता है, आप तेल डालते जाए एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो बड़ा लाइट वेट भी बना था, जूसी भी बना था, बेहतर बना था। ये लीजिए प्याज, अदरक और ये लहसुन, बस खुशबू बेहतरीन हो गई। अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ ये टमाटर का पेस्ट, और साथ में हम शामिल कर देंगे ये तलहार मिर्च का पेस्ट, ये सारा शामिल नहीं करेंगे, तकरीबन कोई 1 कप बस, और इसकी हम थोड़ी सी ज़रा बेसिक भुनाई कर दें, फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। हाँ, साथ में इसमें मैं हल्दी 1 खाने का चम्मच डाल देता हूँ, फिर देख लेता हूँ, 1 से 1.5-2 खाने के चम्मच ये हो गया, और कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 3 खाने के चम्मच, ये अभी भी डाल देंगे इसी स्टेज पे। और हमारे साथ कॉलर है निगत कराची से। अस्सलाम वालेकुम निगत। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? खैरियत, तबीयत ठीक, आप सुनाइए। जी बिल्कुल ठीक हूँ, वाकई में आप बहुत अच्छा बनाते हैं, हम लोग को सिखाते हैं, ट्रेन कर रहे हैं। और ना कढ़ाई का तो मैंने कहा था आपसे कि हम लोग घर में बनाते हैं ना तो क्वांटिटी तो बन जाती है, लेकिन ग्रेवी नहीं बनती इसकी, जरूर बताइएगा। ग्रेवी नहीं होती कढ़ाई में, तेल और ये सब होता है लेकिन ग्रेवी नहीं होती कि हम लोग 20-25 लोगों का बना सके, ये हमने कभी ट्राई नहीं किया है कढ़ाई का। ये अभी आप देख लीजिए, इंशाल्लाह ग्रेवी वाली होगी फुल, ठीक है ना? और इसके अलावा कुछ नहीं, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त सिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया निगत, थैंक यू। अच्छा जी, हरी मिर्चें मेरे हिसाब से 1-2-3 काट लेते हैं, स्पाइसी नहीं है ये, तो ऐसी जायके के लिए। तो ये मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च हमने डाल दी है बेसिकली तीखेपन के लिए, यहाँ मिर्चें काफ़ी है। ये ले जी, चले जी, ये अब ग्रेवी इसकी तकरीबन तैयार हो गई, अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये चिकन सारा, और चले जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं। तो अब इसकी कुकिंग जो टाइम है मेरे हिसाब से 15-20 मिनट और है बस, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और ये सबसे पहले सलाद, स्लाइस किया हुआ प्याज, स्लाइस किया हुआ बंद गोभी, टमाटर, गाजर, खीरा, धनिया, धनिया थोड़ा सा और बचा लूँगा मेरे ख्याल में काफ़ी है, पुदीना और हरी मिर्चें, नींबू का रस,
और नमक बस, और इसके बाद इसको हम कर लेंगे मिक्स बिल्कुल बेसिक सैलड और पाकिस्तानी सैलड टिपिकल, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़े का होता है। दूसरा, हमारे यहाँ फाइबर का इस्तेमाल बहुत ही हम लोगों यहाँ कम है, और फाइबर से मुराद सब्जियों में, फलों में, दालों में जो फाइबर होता है, इसके फवायद बहुत हैं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए, वेट लॉस के लिए, निज़ाम हज़म को बेहतर रखने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपको हेल्प करेंगी। ये हो गया हमारा सैलड तैयार, मिक्स कर लिया, और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। इसमें भी हमने नमक अभी तक शामिल नहीं किया था, अब नमक शामिल कर देंगे और इसको किया मिक्स, और कढ़ाई तकरीबन तैयार है। बस खाली इसको हमने थोड़ा सा चिकन में थोड़ी सी गुंजाइश थी कसर, वो हमने ज़रा निकाल लेनी है। आँच इसकी मैं थोड़ी सी कम कर दूँगा, और इसके बाद आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। अब इसका काम बहुत ईजी, तकरीबन समझ लें कि फिनिशिंग पे आ गई। आँच इसकी कम कर लेते हैं, और अब इसमें शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें, और कॉलर नहीं ले पाएंगे, सॉरी, थैंक यू। अच्छा जी, हरी मिर्चें आ गई, इसको किया मिक्स। देखिए कितनी सारी मिर्चें थी, गायब हो गई, पता ही नहीं लगा। और इसकी कलर देखें कितना मज़े का रेड, अच्छा सा रिफ्रेशिंग कलर आया। टमाटर से भी आया, लेकिन जो तलहार मिर्च का हमने पेस्ट डाला ना, आप इसकी रंगत खूबसूरती देखिएगा, इतना चमकता हुआ जो कढ़ाई होती है ना वो होगी। साथ में हरा धनिया, और साथ में कुटी हुई काली मिर्च, ये बिल्कुल एंड में शामिल करनी है। बस ये लीजिए, ये शामिल की, और ये जब शामिल कर देंगे समझ लेंगे बस मिक्स करना है, उतार लेना है, इससे ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। तो ये मिक्स किया, और बस चले दैट्स इट। अब इसकी मैं आँच थोड़ी सी ज़रा तेज़ करके, हल्की सी तेज़ आँच पे 2-3 मिनट पकाएंगे बस, और हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है। नमक मैं चख लेता हूँ, नमक का ये लीजिए, बस कढ़ाई होगी तैयार। ये ग्रेवी वाली कढ़ाई है, जिन लोगों को ग्रेवी वाली कढ़ाई पसंद है ये जहन में रखिएगा। 6 किलो गोश्त था, उसमें 2 किलो हमने टमाटर, 1 किलो प्याज, यानी तकरीबन आधो आध हिसाब हो गया। 6 किलो गोश्त में, 3 किलो सब्जियां, और क्या उसको कहते हैं, यानी टमाटर और प्याज, और ये काफ़ी ग्रेवी वाली कढ़ाई है। और जिस तरह मैंने आपको बताया, तकरीबन गोश्त के हिसाब से देखा जाए तो ये 25 लोगों के लिए ये बिल्कुल काफ़ी है। पिए ये आ गया, और आखिर में एक आइटम जो बड़ा मस्त है इसमें, वो है बारीक कटी हुई अदरक। बस थोड़ी सी हम गार्निश के लिए रोक लेंगे, और ये दैट्स इट, कढ़ाई होगी तैयार, सैलेड भी तैयार हो गया, नान अभी आ रहे हैं डाइट किस्म के। तो हमारी आज की जो फीस्ट या फैमिली फीस्ट या दावत की जो कढ़ाई थी वो हो गई तैयार, चूल्हा कर दिया बंद। अब इसकी आप थोड़ा सा ज़रा रंगत भी दिखा दें, अपेयरेंस ग्रेवी वाइज, ये देखें इसका कलर, इसका खूबसूरत आया। ग्रेवी इसकी मुनासिब, काफ़ी रीजनेबल ग्रेवी है, कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ये देखें, और बेहतरीन तैयार हो गया। चिकन को आप जब, ये हमेशा जहन में रखिएगा, चिकन को आपने ऑयल में थोड़ा सा पहले फ्राई जब करेंगे ना, तो ये चिकन के देखें शेप्स अभी भी, ये देखें शेप्स, कोई टूटी नहीं है, कोई शेप, कोई चिकन के पीस है, देखें सारे के सारे अभी भी पक भी चुके हैं और साबित भी हैं। अगर इसको आप पहले फ्राई नहीं करेंगे तो ये कुकिंग के दौरान, ये मिक्सिंग के दौरान जो चम्मच चला रहे हैं इससे भी टूटता है। जब इतनी क्वांटिटी में आप पका रहे होते हैं ना, तो अगर आपने इसको फ्राई नहीं किया तो इतनी ये चम्मच चला रहे हैं इसमें टूटता है, कुकिंग के दौरान टूटता है। तो ये जहन में रखिएगा, पहले फ्राई कर लें, तकरीबन इसको पका लें, तो फिर ये इंशाल्लाह बेहतरीन रहती है। चले जी, कढ़ाई होगी तैयार, और एक अदद ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से वापस आते हैं, इसको करते हैं सर्व, करने जाएगा भी राइट बैक।
जी वापस आ गए और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जो हमारा कल का केक था ब्लैक फॉरेस्ट चीज़ केक, इसको ज़रा मैं कर देता हूँ सर्व। एक मिनट, ये नीचे और इसका एक अदद स्लाइस हम ज़रा खींच के निकाल लेते हैं बस। तो ये उन लोगों के लिए जो केक देखना चाह रहे थे, ये देखें इसके अंदर चॉकलेट की सारी जो हमने स्विल किया था। तो बेसिकली ब्लैक फॉरेस्ट केक का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, दो चीज़ें ज़रूरी, एक इसमें चॉकलेट का इस्तेमाल, एक चेरीज का इस्तेमाल। बस ये आ गया हमारा कल का केक और ये आ गया हमारा सैलेड। अच्छा, अभी हमने जो कैलकुलेट किया इसकी कॉस्ट, ये 150 रुपये फ़ी बंदा आपको पड़ेगी चिकन कढ़ाई एक पोर्शन, एक पोर्शन से मुराद एक पाव गोश्त इसमें और साथ में ग्रेवी। तो जब भी बनाएं जहन में रखिएगा, ये टोटल तकरीबन 3,500 रुपये की कढ़ाई बनी है 25 लोगों के लिए। ये आ गई इसकी देखिए ग्रेवी वाली भी है और चिकन भी इसमें काफ़ी है। ग्रेवी की क्वांटिटी कम करनी हो तो टमाटर कम कर लें, प्याज कम कर लें, कुछ लोगों को प्याज का टेस्ट इसमें बहुत कम पसंद आता है तो टमाटर की मिकदार बढ़ा दें, 2 की बजाय 2.5 किलो कर दें और प्याज की मिकदार 1 की बजाय 0.5 किलो कर दें। ये बस ये आ गया, साथ में ये इसके ऊपर हमने थोड़ा सा अदरक की गार्निश कर दी। चले तो ये आ गई है कि हमारी चिकन कढ़ाई, ढाबा चिकन कढ़ाई। ये आ गया हमारे नान, तो आज तो पार्टी ऑन हो गई है ज़बरदस्त किस्म की। ये रिच, ये आज का हमारा कंप्लीट फुल मेन्यू, साथ में कंदारी नान आ गए और कढ़ाई आ गई, सैलेड आ गया, ये कल हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक आ गया। तो आज दावत फुल एक्शन में आ गई। कढ़ाई बनाने के टाइम जहन में रखिएगा, कढ़ाई की इतनी रेसिपीज़ है, कहा जाता है कि 50 किलोमीटर पे कढ़ाई चेंज हो जाती है, बिल्कुल सही कहते हैं। अगर आप हाईवे पे ट्रैवल करें तो आपको सिंध ले लें, बलूचिस्तान ले लें, कहीं भी चलें, एक वाहिद आइटम है अगर चिकन की अवेलेबिलिटी हो तो आपको कढ़ाई कढ़ाई मिलेगी और दुनिया जान कढ़ाई खाई। ये जो कढ़ाई थी ये ओवरऑल मेरे हिसाब से इसका टेस्ट कंपैरेटिवली बहुत सारी कढ़ाइयों से सबसे मुझे अच्छा लगा, इसी वजह से आपके साथ हमने शेयर की। बनाइएगा क्विकली, हमने दोबारा आपको रिकैप दे दें, हमने 1 किलो घी लिया, इसमें 6 किलो चिकन बोटी कट यानी कढ़ाई कट, 2-2 किलो करके डाल के 2 किलो डाला, फ्राई किया, 10 मिनट निकाला, फिर 2 किलो डाला, फ्राई किया, निकाला। 6 किलो फ्राई करने के बाद इसमें हमने 2 किलो टमाटर, ग्रेवी अलग से बना लें या इसमें बना लें, अलग से इसको हमने नरम कर लिया। यहाँ पे 1 किलो प्याज फ्राई किया, 4 खाने के चम्मच अदरक का पेस्ट, 4 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट फ्राई किया, प्याज 1 किलो फ्राई कर लिया था, फिर जो टमाटर था ये शामिल किया, थोड़ा सा फ्राई किया, फिर 3-4 खाने के चम्मच इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च, 2 खाने के चम्मच हल्दी, उसके बाद भुनाई की, फिर चिकन जो फ्राई किया था वो शामिल किया और साथ में तलहार मिर्च का पेस्ट तकरीबन 1 से 1.5 कप, मर्जी अगर आप शामिल करना चाहते तो कर लें, अगर मिल सकता है, बहुत अच्छा इसका देख रहे हैं कलर इसका खूबसूरत है, ये इस वजह से है। और फिर इसके बाद इसमें हमने चिकन फ्राई किया, नमक शामिल किया, आखिर में हमने इसमें हरी मिर्च, धनिया बारीक कटा हुआ, अदरक, कुटी हुई काली मिर्च, बस फ्राई करके मिक्स करके उतार लिया। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मिलाकर तो किसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।